हेलो फ्रेंड्स, और आज मैं बात करूंगा अपने लॉसेस को कैसे मैनेज करना है। तो हम अपने लॉसेस को मैनेज क्यों करना चाहते हैं? बेसिकली हम मैनेज करना चाहते हैं ताकि हम ट्रेड में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रह सकें और हमारे मिनी लॉसेस जो है वो कम से कम हो। तो फॉर एग्जांपल आपको ध्यान होगा, शक्ति पंप जो था वो अब ऐसी रेंज में है दैट वी आर नॉट फीलिंग कम्फर्टेबल, एंड इफ इट goes further down from here, it's going to be a problem. Okay, तो अभी हम क्या करेंगे, इसके लिए एक लॉस कैसे बुक करना है इसकी एक स्ट्रेटजी बनाएंगे और देखेंगे हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ट्रेड में रह सकते हैं एंड कीपिंग आर लॉस एट द मिनिमम पॉसिबल। तो इसमें फर्स्ट स्ट्रेटजी है, या तो हम सारे के सारे एक साथ सेल कर दें, इससे हमारे लॉसेस तो लिमिट हो जाएंगे। बट इसके साथ एक प्रॉब्लम है, इसके साथ प्रॉब्लम यह है कि कभी कभी ये स्टॉक अपने लो पे जाके फिर से बाउंस करता है। फॉर एग्जांपल ये आप देखिए, ये शक्ति पंप का ही चार्ट है, ये यहाँ से करीब करीब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 370 से अराउंड 100 पे गिरा, लेकिन फिर बाउंस बैक किया। अब हम इतनी देर तो नहीं वेट कर सकते क्योंकि इट्स लाइक 1/3 30% टाइप का लॉस है, लेकिन हाँ देर वुड हैव बीन ए चांसेस जहाँ 20% लॉस पे हम ये रिकवर कर जाता। ठीक है, तो अब हमको बेसिकली ऐसे ट्रेड में मैक्सिमम टाइम कैसे रह सकते हैं वो स्ट्रैटेजी बनानी है। अगर हम सारा यहाँ पर सेल कर देते तो हम कभी भी यहाँ से बाउंस बैक का फायदा नहीं उठा पाते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक सारे के सारे एक साथ सेल नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये पहली स्ट्रेटेजी है विच वी आर नॉट गोइंग टू एम्प्लॉय। दूसरी स्ट्रेटेजी है कि हम इसको दो पार्ट्स में बेचें। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमारे को मैक्सिमम लॉस 15% का लेना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने स्टॉक की क्वांटिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। एक स्टॉक जो फर्स्ट हाफ जो है वो 10% लॉस पे सेल करूंगा और सेकंड हाफ जो है वो 20% लॉस पे सेल करूंगा। तो ये मेरे को एक एवरेज 15% लॉस दे देगा। ओके, बट आई विल गेट एन ऑप्शन कि मैं 20% डाउन साइड तक ट्रेड में रह सकता हूँ। अब ये स्ट्रैटेजी अच्छी है, इसमें हम लोग काफ़ी नीचे तक ट्रेड में रह सकते हैं, हमको ऑप्शन भी अच्छा मिलता है। इसके अलावा एक और स्ट्रेटजी है कि हम इसको दो में ना करके और तीन में कर दें। तो बेसिकली हमने हमारी क्वांटिटी को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। पहले हम 1/3 पार्ट को 10-11% पे सेल कर सकते हैं एंड देन विल वेट फर्दर। तो बेसिकली अगर 15% तक आ जाता है तो फिर वो अगला 1/3, और अगर 120% पे आ जाता है तो पूरा बेच के निकल जाएंगे। इससे हमारे जो टोटल लॉसेस हैं वो फिर 15% हो जाएंगे। इससे भी हम सेम अमाउंट ऑफ टाइम तक रहेंगे, लेकिन इसमें एक एडवांटेज जो मुझे लगता है पर्सनली वो ये लगता है कि बेसिकली अगर मान लीजिए वो 12 या 13% से बाउंस बैक करता है तो आई विल स्टिल होल्ड द 2/3 ऑफ द माई क्वान्टिटी, वेर एज इन हाफ एंड हाफ स्ट्रेटेजी मेरे पास वो 10-12% पे मैंने हाफ सेल कर दिया होता तो मेरे पास हाफ ही होता। तो यस, इट गिव्स मी टू स्टे इन द ट्रेड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड विद मैक्सिमम क्वांटिटी एज वेल। तो हम इन दो तीन में से हम कोई भी एक स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे। अब अगर हम बात करें शक्ति पंप्स की, तो अभी हम 11.377 पर हैं, लेकिन हमने देखा था कि ये जो प्राइस है ये इसके सपोर्ट लेवल पे है, होपफुली इट शुड बाउंस बैक फ्रॉम हेयर। अगर ये नहीं करता है तो फिर मुझे प्रॉबेबली 15 नहीं 17% तक जाना पड़ेगा सो दैट आई कैन गिव सम रूम फॉर मनूवर। बेसिकली अब 11 से हम 15% तक वेट करेंगे, 15% आता है तो हम हाफ सेल करेंगे और फिर उसके बाद जब 20 पे पहुंच जाएगा तो फिर बाकी हाफ या तो हाफ की करेंगे या 1/3 की अगर हम करते हैं। तो 1/3 बेसिकली अगर कल ये डाउन जाता है
तो मैं पहले 1/3 सेल करूंगा एंड देन आई विल बुक 1/3 एट मे बी 16 और 17 एंड देन फिर उसका एवरेज आउट करके देख लूंगा कहाँ तक जाता है कि थर्ड पोर्शन मुझे कब सेल करना है। तो मोस्ट प्रॉब्ली यही एक स्ट्रेटजी होगी मेरी। सो होपफुली इट शुड गिव अस अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू वेट एंड वॉच दैट इफ द प्राइसेस बाउंस बैक फ्रॉम हियर। अदरवाइज तो हमने 15% लॉस राइट ऑफ कर लिया है 16-17% एंड विल हैव टू एग्जिट दिस ट्रेड विद अ लॉस। तो ये है मेरी तीन स्ट्रेटजीज। इनमें से यूजुअली मैं फर्स्ट हम फॉलो करता हूँ, यूजुअली आई फॉलो सेकेंड एंड थर्ड स्ट्रेटजी और डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ स्टॉक मूवमेंट। तो यही है मेरी बेसिकली जो स्ट्रेटजीज की अगर हम बात करें सेल में, तो मैंने अपने लॉसेस को जितना लॉस मैं चाहता हूँ मैंने उसी पर रखा है और मैंने आई कैन स्पेंड मोर टाइम इन द ट्रेड एंड वेट फॉर ए स्टॉक टू मूव बैक अप। अदरवाइज तो लॉस तो मैंने पहले से ही सोच लिया कितना मैक्सिमम लॉस मुझे लेना है। That's it. This is what the basically this is how I manage my losses. I try to stay the longest, even if the trade is going against me. Hopefully, aapko strategies pasand aayi hongi, and let me know if you like them or not. If you do like, please share and follow us on YouTube. Thank you.